एक बार नहीं ना जाने कितनी बार प्रेमचंद अग्रवाल को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने माफ किया, लेकिन प्रेम अपने धुन में बीजेपी को फंसाते जा रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल के मारपीट प्रकरण से धामी सरकार की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ीं। अब लग रहा सीएम धामी प्रेमचंद के खिलाफ आखिरी फैसला लेने वाले हैं। सीएम धामी तो यही कह रहे होंगे, हुजूर आप जाइए, मेरे अंगने में आप हैं तो परेशानी ही परेशानी है। ये तमाचा, ये मुक्केबाजी, ये जोर आजमाइश, ये ताकत की नुमाइश मानने पर अब भारी पड़ रही है। सब नाराज हैं, पराए तो पराए अपने भी नाराज हैं। हर ओर से बस एक बात हो रही है, हुजूर अब छोड़ दीजिए अपना पद, बहुत किया आपका सम्मान, अब आप जाइए अपने रास्ते, हमें अपने पर छोड़िए। कोई कहे या ना कहे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो यही कह रहे होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किलें तो प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ही बढ़ाई। अब ये क्यों कह रहे हैं, प्रेमचंद अग्रवाल की वजह से सीएम धामी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात आप सुन लीजिए। देखिए वहाँ पर क्या सरकम स्टांसेज हुए कि ऐसे हालात बने, लेकिन हाँ मैं कहूँगा कि जो जिम्मेदार जगहों पर जो लोग रहते हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, इस तरह की कोई बात न हो तो अच्छा। पूरे मामले में विपक्ष प्रदेश भर में अब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। प्रेमचंद वाला प्रकरण जिसने राष्ट्रीय पटल पर हमारी जबरदस्त किरकिरी करा दी है, उस प्रकरण में मंत्री के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। जब पीड़ित पक्ष यानी कि सुरेंद्र सिंह नेगी, जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा मंत्री के द्वारा करा दिया गया है, वो क्रॉस एफआईआर करने गए, तो मंत्री के पीआरओ और मंत्री के गनर पर तो मुकदमा है, लेकिन मंत्री को साफ सरकार बचा ले गई है। पुलिस प्रशासन ने अज्ञात के खिलाफ यहाँ भी मुकदमा दर्ज किया है, यानी कि वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है कि मंत्री महोदय मार कुटाई कर रहे हैं, लेकिन मंत्री महोदय के ऊपर आज की तारीख में उत्तराखंड के किसी थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। यानी कि वीआईपी कल्चर खूब फल फूल रहा है, यहाँ आम आदमी के लिए और रसूखदार के लिए नियम कायदे कानून दोनों अलग अलग है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्री को तलब कर पुलिस से जांच कराने के निर्देश दिए। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के ऋषिकेश के एक व्यक्ति को पहले थप्पड़ जड़ने और उसके बाद सुरक्षा कर्मी के उस व्यक्ति को लात घूंसे मारने को लेकर लोग नाराजगी जता रहे हैं। इस पूरे मामले में भले ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहले ही सफाई देते हुए व्यक्ति पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया, साथ ही अपने और सुरक्षा कर्मी के कुर्ते फाड़ने का आरोप लगाया हो, लेकिन वायरल वीडियो सामने आने के बाद मंत्री पर लोग सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। इससे धामी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इतना ही परिजनों और विपक्ष ने देर रात तक ऋषिकेश थाने में मामले को लेकर जमकर हंगामा किया। इस पूरे प्रकरण से एक बार फिर से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहली बार नहीं जब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल विवादों में घिरे, पहले भी उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले को लेकर अपने विभागों में तबादलों को लेकर मंत्री निशाने पर आए। उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से सबसे ज्यादा धामी सरकार की मुश्किलें बढ़ी थी, जब बीजेपी कार्यालय में मंत्री से उसके स्पीकर रहते उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती के मामले में पूछा गया तो उनके बयान से सब हैरान हो गए। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा था कि विधानसभा बनने के बाद से और उनके कार्यकाल यानी 2021 तक विधानसभा में तदर्थ भर्तियां होती आई हैं, लेकिन रडार पर विलेन के तौर पर सिर्फ उन्हें ही पेश किया गया। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे ही विलेन बनाया गया, जबकि राज्य गठन से लेकर अब तक विधानसभा में इसी आधार पर भर्ती हुई। मंत्री के इस बयान से बीजेपी और सरकार दोनों मुश्किलों में पड़ती नजर आईं। इससे पहले विधानसभा में 2021 और 2022 में हुई तदर्थ नियुक्तियां रद्द होने के बाद तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर इस्तीफे का दबाव बना। बैकडोर नियुक्तियों पर पहले उनका विवादित बयान आया और उसके बाद शहरी विकास विभाग में 70 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादला आदेश पर मुख्यमंत्री की ओर से रोक लगाने का मामला गरमाया। फिर एक कंपनी के खर्च पर उनकी और उनके विभाग के अफसरों की जर्मनी यात्रा को लेकर भी खूब चर्चाएं हुई। सितंबर 2022 में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अनुमोदन के बाद नगर निकायों में केंद्रीय सेवा के 74 कार्मिकों के तबादले होने के बाद राज्य सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए तबादलों को 24 घंटे के अंदर स्थगित कर दिया था। ये तबादले मंत्री ने विदेश दौरे पर जाने से ठीक पहले किए। ऐसे में ये पूरी कार्रवाई सवालों के घेरे में रही। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल तबादले करने के बाद 7 दिवस से दौरे पर जर्मनी रवाना हो गए थे।